व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो तंजानिया नाम की एक छोटे से गांव में रहने वाली जवान लड़की की है, जिसका सपना है कि वो पढ़ लिख कर एक बहुत ही बड़ी इंसान बने और खूब पैसे कमाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है, चलिए देखते हैं। नीमा को हम पढ़ाई करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उसकी माँ फातिमा वहाँ आ जाती है। उससे कहती है कि चलो खेत में चलो, वहाँ बहुत काम पड़ा हुआ है। पर नीमा का बिल्कुल भी मन नहीं है वहाँ जाने का, क्योंकि उसे पढ़ाई करनी है। लेकिन अगर वो उनकी मदद नहीं करेगी तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। वो अपनी माँ के साथ मिलकर पूरे खेत को जोत डालती है। फातिमा एक अच्छी किसान है, उसे खेती बड़ी अच्छी से समझ आती है, इसीलिए वो अपनी फसलों को अच्छी देखभाल कर लेती है बिना किसी आदमी के। कुछ दिन बाद उनकी फसल तैयार हो जाती है, पर उसकी कटाई के दौरान नीमा के हाथ में चोट लग जाती है, जिससे वो काफ़ी परेशान थी, क्योंकि ये वही हाथ है जिससे वो लिखती है और कुछ ही दिन में उसका एग्ज़ाम भी आने वाला है। पर जब फातिमा वहाँ आती है, जो उसकी चोट को देखकर कहती है कि तुम्हें थोड़ा ध्यान से काम करना होगा, क्योंकि हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे किसी भी चोट का इलाज उठा सकूं। लेकिन नीमा को तो पेपर का डर सताया जा रहा है, जिसके बारे में जब फातिमा को पता चलता है तो वो कहती है कि अगर घर में खाने को कुछ नहीं होगा तो पढ़ लिख कर क्या ही फ़ायदा है। उसे इस बात की कोई समझ नहीं है कि अगर वो पढ़ लिख लेगी तो शायद एक दिन इस गांव में जितनी भी ज़मीन है सब उसकी होगी। पर गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे से अच्छे हुनर को भी अपने आगे झुका देती है। नीमा अपने पड़ोस में एक औरत के घर जाती है जो फातिमा की अच्छी दोस्त हुआ करती थी। वो नीमा के घाव पर मरहम लगा देती है, जिसके बाद नीमा बताती है कि उसकी माँ को लगता है कि पढ़ लिख कर कुछ नहीं होगा, उसे उनके साथ खेती करनी चाहिए। तो वो कहती है कि मैं इस बारे में उससे बात करूँगी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इसी दौरान हम मनुसी को देखते हैं। वो कुछ काम धंधा नहीं करता, बस नल्लों की तरह घर में पड़ा रहता है और सब कुछ फातिमा ही संभालती है, घर का खर्चा भी वही चलाती है। उसी दिन कुछ लोग मनुसी के पास आते हैं और वो उन्हें देखकर बहुत खुश था, इसीलिए अंदर जाकर वो फातिमा को कुछ खाने को लाने को कहता है। जब वो पूछती है कि वो लोग कौन है तो मनुसी बताता है कि वो नीमा के रिश्ते के लिए आए। ये सुनकर फातिमा तुरंत ही कहती है कि तुम पागल हो गए हो, वो अभी बहुत ही छोटी है, अभी मैं उसकी शादी नहीं करवा सकती। लेकिन मनुसी बताता है कि मैंने उन्हें जबान दे दी है, अब कुछ नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर हम नीमा को स्कूल में देखते हैं। वो अपने दोस्त हारून के साथ बैठी हुई है, जो उसकी पढ़ाई में बहुत मदद करता है। पर नीमा को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं वो आने वाले पेपर्स में फेल ना हो जाए, क्योंकि उसके पास पढ़ाई करने का ज़रा भी समय नहीं है। अब घर पर उसकी माँ उसे हमेशा काम करवाती रहती है, पर हारून कहता है कि तुम पास हो जाओगी, घबराओ मत। स्कूल ख़त्म होने के बाद वो घर आ जाती है और बाहर बैठे हुए उन लोगों को देखती है जिनके बारे में फ़ातिमा से पूछती है कि वो कौन है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती, उसे फिक्र हो रही है अपनी बेटी की। इतनी में वहाँ पर मनुसी आ जाता है और नीमा को उस आदमी से मिलवाने के लिए ले जाता है, जिसकी उम्र 40 साल है, उसी से नीमा की शादी भी होने वाली है। दरवाजे से पीछे छुप कर फातिमा ये सब देख रही है। वो इतनी जल्दी अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहती, और ऐसे इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं जिसकी उम्र 40 साल हो। पर अब वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर खड़ी बेचारी नीमा को इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि उसकी शादी की बात चल रही है। अब रात में फातिमा एक बार फिर से मनुसी से नीमा के बारे में बात करती है और कहती है कि अभी ये सही समय नहीं है उसकी शादी करने का। पर यह मनुसी उसे झूठ कहता है कि वो आदमी एक किसान है, पर असल में वो एक मछुआरा होता है और उसके गांव वाले उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो स्वभाव से बहुत ही जालिम होता है। पर मनुसी को सिर्फ पैसों की पड़ी थी, उसे अच्छे पैसे मिलने वाले थे। उस इंसान के लिए उसने नीमा की शादी की बात फिक्स कर दी, जो बात फातिमा को भी पता है, इसीलिए वो साफ मना कर देती है। इतने में हम बाहर खड़े नीमा को देख पाते हैं, जो इन दोनों की बातों को सुन लेती है और समझ जाती है कि जो लोग कल आए थे वो क्या करने आए। और तभी मनुसी और फातिमा के बीच में लड़ाई हो जाती है, इसीलिए वहाँ से एक शेन नाम की लड़की के पास आ जाता है, जो उसकी बेटी की उम्र की है और एक बार में काम करती है। मनुसी उसके घर आए दिन जाया करता है और उसके उस लड़की के साथ संबंध भी बनाए हुए, इसीलिए वो उसे पसंद करता है। और एक परिवार होने के बावजूद यहाँ शेन बताती है कि उसे 10 लाख की ज़रूरत है, क्योंकि वो शहर जाकर HM की पढ़ाई करना चाहती है और एक अच्छी जॉब भी पाना चाहती है। इतने पैसे सुनकर मनुसी के तो होश उड़ जाते हैं और वो साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसका एक परिवार है, वो इतने पैसे नहीं दे सकते। यहाँ शेन ने भी अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए थे और कहती है कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो यहाँ से निकल जा और तभी लौटना जब पैसे हो। मनुसी उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, क्योंकि वो उसे प्यार करता है। एक पत्नी होने के बावजूद वो उसके साथ वक्त बिताया करता था, जिस बात की उसे कोई शर्म नहीं थी, लेकिन शेन ने आज उसकी औकात दिखा दी। अगले दिन हम नीमा को देखते हैं हॉल में बैठा हुआ।
आज उसका मैथ का एग्जाम है लेकिन वो आंसर शीट में कुछ नहीं लिख पाती। उसने कुछ पढ़ा ही नहीं तो वो लिखेगी कैसे। दिन भर खेती करने के बाद वो इतना थक जाती है कि कुछ पढ़ने का दिल ही नहीं करता। उसका एक समय पर वो मैथ की टॉपर थी और इसी बात से परेशान वो घर आ जाती है। और यहाँ फातिमा उसे लकड़ियाँ ढोने के लिए कह देती है, जिसको लाते समय उसे अपने छोटे भाई दिखते हैं जो स्कूल से कहीं जा रहे थे। वो उनसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो नहीं बताते। दरअसल वो लोग एक फार्म में हर दिन जाते हैं और वहाँ से कुछ केले चुला कर लाते हैं। उधर नीमा से मिलने के लिए हारून आता है, जिसे वो सब कुछ बताती है कि यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और शादी वाली बात को सुनकर हारून कहता है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी मर्जी के बिना शादी नहीं करवा सकते, ये अपराध है और अभी तो तुम बहुत छोटी हो। लेकिन नीमा को अच्छे से पता है कि उसके पिता किसी की नहीं सुनेंगे। इतने में उन दोनों को मिलते हुए उनका भाई देख लेता है तो नीना फौरन घर की ओर निकल जाती है। उधर फातिमा जब अपने बच्चों के पास से केले देखती है तो समझ जाती है कि ज़रूर इन्होंने किसी के खेत में चोरी करी है, इसीलिए वो उन्हें बहुत डांटती है। तभी वहाँ मानहूसी आ जाता है, एक पिता होने के नाते उसे अपने बच्चों को अच्छी सीख देनी चाहिए, लेकिन वो तो चोरी किए हुए केलों को खाना शुरू कर देता है, जो बात फातिमा को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे सुनाना शुरू कर देती और ये तक कह डालती है कि अगर उसे अपनी बेटी की शादी अभी करवा दी तो वो उसकी तरह अनपढ़ रह जाएगी, उसे पढ़ने का शौक है जो मैं पूरा करवा के रहूँगी। ये बात मानहूसी को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो फातिमा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर किसी वजह से उसके हाथ रुक जाते हैं। अब कहानी और आगे बढ़ती है और उस रात फातिमा को एक बुरा सपना आता है, जिसके बाद उसे नीमा की और भी फिक्र होने लगती है। वो अपनी बेटी को ऐसे किसी भी मुसीबत में डाल नहीं सकती, शादी के बाद पता नहीं उसके साथ क्या हो जाए। अब दोपहर होने पर वो अपने फार्म पर जाती है, पर वहाँ जो देखती है उसका दिल टूट जाता है। उसकी पूरी फसल पर अब कीड़े पड़ना शुरू हो गए हैं, अगर उसने दवाई नहीं छिड़की तो कुछ ही दिन में पूरी फसल खराब हो जाएगी। उसका यही तो एक सहारा है, इस फार्म के अलावा उसके पास कोई साधन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत है, दवाइयाँ लेने के पैसे उसके पास नहीं है। इसी दौरान वहाँ से कुछ औरतों का ग्रुप गुजरता है, जिसकी लीडर फातिमा की बचपन की दोस्त है। उसका नाम सोनिया है, पर उसे अभी उसकी ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन आज वो फातिमा को देख कर रुक जाती है और उसकी फसल की तारीफ भी करती है। दरअसल सोनिया एक ग्रुप चलाती है जिसमें सभी औरतें मिलकर एक दूसरे की मदद करती हैं, एकता के साथ उनके साथ अपने दुख सुख बांटती हैं। वो फातिमा को भी सलाह देती है अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए, पर वो कहती है कि जब उसे ज़रूरत होगी वो कर लेगी। वो शायद नहीं चाहती कि अपने दोस्त के सामने वो कमज़ोर दिखे, पर सोनिया को पता है कि फातिमा एक अच्छी किसान है, उसके जैसे लोगों की उसे ज़रूरत भी है। उधर हम मानहूसी को देख, जो कि उसी बार में बैठा जहाँ पर शेना काम करती है, वो वहाँ पर उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसे सीधे नकार देती है कि अगर वो उसे पैसे ला कर देगा तभी वो बात करेगी, वरना नहीं। मानूसी के लिए चीज़ अब दिक्कत दे रही थी, क्योंकि वो किसी भी हाल में शीना को नहीं छोड़ने वाला था, इसीलिए वो घर जाकर हिसाब किताब करने लगता है कि कितने पैसे नीमा की शादी में मिलेंगे, जिसमें से वो शीना को भी दे देगा। लेकिन दोस्तों वो अनपढ़ है, उसे हिसाब करने तो आता ही नहीं, इसीलिए वो नीमा को बुलाता है जो अपने पिता की मदद करती है, फिर वो उन्हें पूरा हिसाब करके देती है। ये सीन वैसे तो काफ़ी नॉर्मल सा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ दिखाया गया। अपनी 16 साल की बेटी से, जो कि पढ़ाई में बहुत तेज़ है, उसे ही वो उसकी शादी का हिसाब किताब करवा रहा है और फिर उसी को बेचकर वो पैसे अपने अयाशी में उड़ाने वाला है। इस चीज़ को देखकर वहाँ पर फातिमा आती है, जो उसकी इस हरकत पर बहुत ही गुस्सा करती है, उसका खून खौल जाता है। तब मानोसी बताता है कि उसे शादी में 25 लाख मिलेंगे, जो कि उनके लिए बहुत है, पर फातिमा उसे गुस्से में कहती है कि ये सब छोड़ दो और तुम्हें कुछ काम धंधा ढूंढना चाहिए। लेकिन मानोसी के कानों में जू तक नहीं रेंगती, उसे खाली बैठने की आदत पड़ गई थी, यहाँ तक कि वो तो अपने घर से एक मुर्गा चुरा कर शयन के घर पहुँच जाता है उसे मनाने के लिए। लेकिन वो बहुत ही चतुर किस्म की लड़की होती है, वो सीधा ही बोल देती है कि जब पैसे हों तभी यहाँ पर आना। तो दोस्तों वो सीधा उसे चूना लगाना चाहती थी, लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि मानहूसी का दिमाग अभी घास चलने पर गया है। वहाँ खेतों में जब फातिमा देखती कि अब सारी फसलें खराब होने लगी है, तो वो सोनिया के पास मदद के लिए जाती है। वो सभी औरतों से उसे मिलवाती है और कहती है कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर वो उसकी मदद कर देंगे तो वो उन्हें जब उसकी फसल बिकेगी तो वो सभी के पैसे लौटा देगी। लेकिन आज से पहले फातिमा कभी लोगों के पास नहीं आई, इसीलिए कोई उस पर भरोसा नहीं करता, तो वो खुद खड़े होकर उनके सामने हाथ जोड़ती है और वादा करती है कि सभी पैसे वो जल्द ही लौटा देगी। इसके बाद हम उसके खेतों में छिड़काव होते हुए देखते हैं, यानी कि उन औरतों ने उसकी मदद कर दी।
उधर हम नीमा को देखते हैं जिसकी टीचर उसे बताती है कि उसके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, इसीलिए उसे और मेहनत करनी होगी वरना वो आने वाले फाइनल्स में फेल हो जाएगी। ये सब चीजें नीमा के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही थी। एक तो घर की परेशानियां और ऊपर से वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही है, वो घर का काम संभाले या फिर अपने सपने को पूरा करे। यही बात वो लेकर हारून के पास जाती है जो उसे थोड़े दिनों के लिए घर से दूर जाने की सलाह देता है बिना किसी को बताए। लेकिन नीमा ऐसे चुनौतियों से भागने वालों में से नहीं है। वो ऐसे बिना बताए अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वो उसे कहती है कि मैं सोच कर बताती हूँ। वही मानहूसी उसे मछुआरे के पास जाता और उसे जानवर के बदले में पैसे देने की मांग करता है, लेकिन वो मना कर देता है कि वो ट्रेडिशन के हिसाब से शादी करेगा, जो बात मानहूसी के लिए परेशान कर देती है। वहीं छिड़काव के बाद अब फसल काफ़ी अच्छी हो गई है, जिसको देखकर फातिमा बहुत खुश है। यहाँ पूरे गांव में एक ठेकेदार भी है जो सभी की फसलें खरीदता है और फिर उसे सरकार को बेच देता है। उसी के पास मानहूसी पहुँचता और कहता है कि वो अपनी पूरी फसल को बेचना चाहता है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि वो एक अकेला फसल नहीं खरीदता। पर मानहूसी उसे कहता है कि तुम शाम में आना और देखना, फिर बात करना। हम देख पाते हैं कि मानहूसी फातिमा के महीनों की खून पसीने की कमाई को बिना उसे बताए बेच रहा है ताकि वो शन को जल्दी पैसे दे सके। अब घर पहुंचने पर वो फातिमा के पास जाकर बैठ जाता है और मीठी मीठी बातें करने लग, जैसे कि उसने अभी कुछ किया ही नहीं। उधर फातिमा कहती है कि इस बारी की फसल अच्छी हुई है, उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन उसे कहाँ पता था कि इसका सौदा होने वाला है। जब वो शाम को घर से बाहर जाती है तो ठेकेदार आता है, उस खेत को देख कर कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है। उसे ये अच्छे से पता था कि ये उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा है, पर वो मानहूसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता था, इसीलिए वो उसे उस पूरी फसल के बदले में खुद का फ़ोन देने की बात करता है, जिसको मानहूसी कहता है कि ये तो बहुत ही कम है सरदार, थोड़े और कुछ दीजिए। तो वो उसे 10 लाख देने की बात करने की डील करता है, तो मानहूसी भी खुश हो जाता है क्योंकि इतने पैसे तो ओशन ने उसे मांगे थे। इतना सब कुछ हो रहा है पर फातिमा को कुछ भी खबर नहीं है। एक शाम जब नीमा के भाई स्कूल से लौटते हैं तो अपनी माँ को बता देते हैं कि टीचर कह रही थी कि नीमा इस बार फेल हो जाएगी। ये सुनकर उसे एक और धक्का लगता है क्योंकि नीमा तो टॉपर थी, आखिर ये कैसे हो गया। तो वो कहती है कि उसे टाइम नहीं मिलता होगा शायद पढ़ने का, दिन भर तो वो फार्म पर लगी रहती है, फिर उसके पिता उसे शादी भी करवाना चाहते हैं। एक अकेली फातिमा क्या क्या करेगी, घर पर भी संभालती है वो। अब उसी रात जब नीमा पढ़ाई कर रही होती है तो उससे मिलने के लिए हारून आता है। उसे बताता है कि वो 2 दिन बाद शहर जा रहा है, अगर उसे भी उसके साथ चलना है तो वो चल सकती है, फिर जब उसकी जॉब लग जाएगी तो वो वापस भी आ सकती है। और अब उसने ये फैसला नीमा पर छोड़ दिया है। अगले दिन शहर से एक बंदा आता है जो सभी की फसलों के दाम उन्हें बताता है कि वो कितने दाम तक बिक सकती है। जब फातिमा अपनी फसल का दाम सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो उसकी उम्मीद से ज़्यादा थी, पर उसे नहीं पता कि मानहूसी ने कब का सौदा उसका कर दिया और बेच भी डाली है। वो उन पैसों को लेकर शन के पास भी जा चुका है, वो उसका एडमिशन भी करवा देता है। और जब सब कुछ हो जाता है और जाने की बारी आती है तो शन जाने से मना कर देती है और कहती है कि आज वो यहीं रुकेगी। उसके इस रूप को देखकर मानहूसी को एहसास हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो चुपचाप घर लौट आता है बिना कुछ बोले और उसके 10 लाख भी अब जा चुके हैं। फातिमा उसके उदास चेहरे को देखकर वजह पूछती है पर वो कुछ भी नहीं बोलता। उधर फातिमा आज बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि उन्हें उनकी फसल के अच्छे पैसे मिलने वाले हैं, पर मानहूसी अभी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। रात में उसकी और फातिमा की फिर से बहस हो जाती है, जिस वजह से वो घर छोड़कर बाहर आ जाता है और बहुत शराब पीता है। उसके जाने के बाद उसके फ़ोन पर ठेकेदार की कॉल आती है जो कि नीमा उठाती है और उसे कहता है कि अपने पिता को बता देना कि मैं कल आ रहा हूँ, जो बोलकर वो फ़ोन को काट देता है। अब अगले दिन नीमा को हम सामान पैक करते हुए देखते हैं। वो रो रही थी क्योंकि उसने फैसला कर लिया है कि वो शहर जाएगी और उसी समय उसकी माँ बाजार के लिए निकल रही होती है। तो नीमा फौरन उनके पास जाकर कहती है कि पापा अभी तक घर नहीं आए, रात से सुबह हो गई है। तो वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, वो आ जाएंगे। पर नीमा तो कुछ और ही बताना चाहती थी पर वो बता नहीं पाती और अपनी माँ को गले लगा कर रोने लगती है। उनसे कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। और फिर फातिमा बाजार की ओर निकल जाती है, उसे कुछ खबर नहीं है कि आज क्या होने वाला है। वहीं शेना जब घर लौटती है तो देखती है कि वहाँ पर मानहूसी उसका इंतज़ार कर रहा है। जब वो आती है तो वो देखता है कि उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी है जो कि शहर में रहता है। अब मानहूसी को समझ आ जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, इसीलिए वो शन से अपने पैसे मांगने लगता है, पर वो कहाँ देने वाली थी।
और जब वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत मारता है और भाग जाता है। उधर दूसरी तरफ ठेकेदार के लोग आ गए थे, उन्होंने पूरी फसल को काट दिया था और अपने साथ ले जाते हैं। मानुसी की जब आँख खुलती है तो उसके सामने उसकी बेटी नीमा थी जो उसे खाना खिला रही थी। तो दोस्तों, वो घर को छोड़कर नहीं गई बल्कि आखिरी समय पर अपने माँ बाप के साथ ही रहने का फैसला किया। उधर फातिमा को पता चल चुका है कि मानहूसी ने फसल को बेच दिया, इसीलिए वो ठेकेदार के पास जाती है और उसे पूछती है कि आखिर उसके पति ने कितने पैसे दिए। और उसने फ़ोन की डील करी उसके बारे में तो उसे पता था, लेकिन जब वो कहता है कि 1 मिलियन दिए तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही कम थे मार्केट प्राइस से। वो उसे और पैसे मांगती है जो कि वो देने से मना कर देता है कि तभी वहाँ पर ग्रुप की लेडीज़ आ जाती हैं जो उसे धमकाती हैं कि अगर उसने उनके पैसे नहीं दिए तो वो अथॉरिटीज़ से शिकायत करेंगी, जिससे कि वो डर जाता है और उसके सारे पैसे चुका देता है, जिसे लेकर सभी औरतें हंसते खेलते घर आ जाती हैं। उन्हें उनके पैसे मिल गए थे। अब रात में मानहूसी फातिमा के पास आकर उसका हाल पूछता है, पर वो कुछ जवाब नहीं देती। वो उससे नाराज़ क्योंकि उसे शन के बारे में पता चल चुका है, लेकिन मानहूसी उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या वो उसे माफ़ कर सकती है। वो एक नई शुरुआत करना चाहता है। अब फातिमा तो यही चाहती थी कि मानहूसी को अपनी गलतियों का एहसास हो, वो उसे माफ़ कर देती है और एक बार फिर से वो सब एक हो जाते हैं एक परिवार की तरह। अब अगले दिन नीमा को रिजल्ट मिलता है, वो फिर से फर्स्ट आई थी और अब आगे की पढ़ाई के लिए वो शहर भी जा रही है, जिसके पैसे खुद मानहूसी देता है। उसी समय वो मछुआरा भी वहाँ आता है शादी के लिए, लेकिन इस बार ही फातिमा और मानहूसी दोनों मिलकर उसे भगा देते हैं और कभी वापस न आने को कहते हैं। वेल दोस्तों, कहानी के आखिर सीन में हम दोनों को उसके खेत को जोतते हुए देखते हैं। कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। तो अगर आपके सपनों में दम है तो उन्हें पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। एक पढ़ने वाला बच्चा किसी सरकारी स्कूल में पढ़कर भी पायलट बन सकता है, और ना पढ़ने वाले के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे ही नीना के सपने बहुत बड़े थे, उसने इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ बड़े फैसले लिए और अपनी कामयाबी अपने परिवार के साथ बांटी। वो शहर जाकर एक बड़ी ऑफिसर बनी और उसने फिर कुछ सालों बाद गाँव लौट कर उन खेतों को खरीद लिया और सब अपनी माँ को दे दिया। इसीलिए कहते हैं कि बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मंजिल से खूबसूरत सफ़र होता है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।